मेरे जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ फहद मौजूद हैं। फहद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो फहद के पास ये सुजुकी कल्टस है 2016 की, जिसको लिमिटेड एडिशन कहा जाता है। तो फहद, ये लिमिटेड एडिशन और नॉर्मल वाली में क्या फ़र्क है? उमर भाई, इसमें तीन चार चीज़ें फ़र्क हैं। इसमें एक तो मेन चीज़ अलॉय रिम्स आते हैं, ठीक है। सीट का फैब्रिक का पैटर्न और दरवाज़ों पे फैब्रिक का पैटर्न डिफरेंट है, और एक ये सीडी प्लेयर आप देख रहे हैं ब्लूटूथ वाला, वो दे देते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्टिकर पीछे है, लिमिटेड एडिशन। हाँ जी, सबसे महंगा उसका। सो ये गाड़ी अब अभी कितने टाइम से है, और ये ग्रे कलर की कोई प्रेफरेंस थी, क्या सीन था? नहीं, ये मेरे कज़न की गाड़ी थी, ठीक है। तो मतलब शुरू में तो अभी तक मैंने उनसे चलाने के लिए ली थी, फिर मुझे अच्छी लगी और मैंने उनसे कहा कि यार इसकी कोई डील कर लेते हैं, तो फिर इस तरह हमारे पास आई। कलर वाला नहीं थी, कंडीशन अच्छी थी, जानने वाले की गाड़ी थी, आपने भी चेक की थी, तो हमने उस तरह ये गाड़ी दी। और ये गाड़ी आपके पास कितने अरसे से अभी? राउंड अबाउट 3 मंथ्स हो गए। 3 महीने हो गए, ठीक है। और गाड़ी की मतलब इफ यू डोंट माइंड, उस वक्त जब खरीद रहे थे उस वक्त क्या प्राइस थी, आज इस गाड़ी की क्या वर्थ हो चुकी है? मैंने तो आज की देखें, आज तो बिल्कुल ही कल जैसे एक 10-10, 12-12, 13-13 लाख रुपए बढ़ गए गाड़ियों पे, उसके हिसाब से तो मुझे नहीं पता, मगर जब हमने बाय की थी तो ये मुझे 1250 की कॉस्ट की थी, ठीक है। और आज ये मेरे ख्याल में लोग 15 लाख भी मांग रहे हैं, और ऐड लगे हुए हैं 15-15 लाख के भी, और 1350 से लेके 1450 तक के तो सारे एड्स नॉर्मल उसमें, अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी है। सही है जी। और जब आपने गाड़ी चलाने के लिए ली थी एंड देन आपको पसंद आई, आपने रख ली गाड़ी, तो क्या इस गाड़ी की ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने कहा यार ये गाड़ी रख लेते हैं? सिर्फ एक ही रीज़न है कि गाड़ी नई थी, ठीक है, और सुजुकी है। तो जब ये बाहर गए थे तो 3-4 महीने से गाड़ी खड़ी हुई थी, तो जब मैं गाड़ी घर पे लेके आया तो थोड़ी सी मिसिंग इसमें चीज़ें थी, ऑब्वियसली बारिशें भी बीच में हुई थी, तो गाड़ी खड़ी हुई थी जब मैं घर पे लेके आया, तो फिर मैंने इसके सारे ट्यूनिंग प्लग्स ये वो चेंज कराए, तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 7000, और वो मेरे लिए सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी अमाउंट थी कि यार 7000 में सारे काम हो गए, इसके ब्रेक पैड भी 1800 के मिल गए, तो वो जो कि हर गाड़ी के नहीं होते, समझ गया। और आपको पता है जिस तरह की प्राइसिंग ऊपर बढ़ते जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप कॉस्ट में ऐड होते जाते हैं। और इस वक्त आपकी प्राइमरी गाड़ी है डेली रनर के तौर पे? जी जी, मेन गाड़ी है, ये यूज़ कर रहा हूँ। कितने क्या यूजेज है, क्या एवरेज दे रही है? मेरा है इसका 760 किलोमीटर डेली ड्राइव। जी जी, और एवरेज क्या दे रही है? सर एवरेज जैसे कि मैं एक्सपेक्ट अच्छी कर रहा था, मगर आपने मुझे और सबने बता दिया ये 11 से 11.5 मैक्स 12 दे, मगर मैं बात कर रहा हूँ हैवी ट्रैफिक, ठीक है, ठीक है, समझें साइट एरिया हो गया, चंडीगढ़ रोड हो गया, और डिफेंस के कुछ इलाके हो गए, तो हैवी ट्रैफिक में विद एसी की बात कर रहा हूँ। जी जी, इसको मैं। और इसका ऑयल वगैरह चेंज की क्या कॉस्ट है? ऑयल इसका, वो ऑयल तो महंगे हो गए हैं, ऑयल इसका मेरे ख्याल में 2900 का ऑयल आया है, बाकी एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वही 600 रुपये में दोनों। 3 लीटर ऑयल इसमें 3.5 चलता है मेरे ख्याल, 4 लीटर वाला डबल, 4 लीटर वाला आपने डबल लेना। सही है। और कल्टस है तो मतलब आई एम श्योर इसके इस सवाल का जवाब तो मुझे पता ही होगा, लेकिन देखिए जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, पार्ट्स इसके आराम से मिल जाते हैं? जी जी, पार्ट्स बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं, और मेन वही जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी लेने की भी रीज़न मतलब उस वक्त तो मैंने ख़रीदी नहीं थी, मगर 4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जो भी इसके पार्ट्स होंगे वो मैं ही डाल रहा हूँ, ऑफ कोर्स, तो मुझे कोई पार्ट्स माशाल्लाह से कोई एक्सपेंसिव या ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिल रहा, नहीं मिलना की तो दूर की बात है, एक्सपेंसिव भी नहीं लगा। सही है जी जी। और क्वालिटीज़ भी 3-4 क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ये अब एक चाइना हो गई, एक पाकिस्तानी मेड हो गया, तो इस तरह की 3-4 क्वालिटीज़ में आपको सामान मिल जाता है। और मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की जो आपका कॉस्ट ऑफ पार्ट्स जैसा हमें बताया, वही मेहरान की तरह जैसे बहुत सस्ते पार्ट्स होते हैं, नहीं सस्ते, मेहरान से थोड़े महंगे? मेहरान से थोड़े से महंगे होंगे, मगर इस तरह के पार्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने प्लग्स डाले थे और इस तरह के पार्ट्स तो मेहरान जितने ही थे। अब मुझे साइड मिरर्स किसी ने बताए थे कि मैं मेरे ख्याल में 1200 रुपये के पेयर हैं, मेहरान के 800-400 रुपये के, 500 रुपये, ऐसे ही मतलब वो ऐसे सच महंगे नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर लाइट सस्ती है, सारी चीज़ें। ये मेंटेनेंस वाले फैक्टर के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी की आपको बहुत पसंद आई हो? मेंटेनेंस के अलावा देखें, गाड़ी ये है कि आप उसको रफ्यूज़ भी कर सकते हैं, सस्पेंशन एज कम्पेयर टू मेहरान और ऑल्टो, पुरानी VXR की बात कर रहा हूँ,
उससे स्मूथ है, बेहतर है, और स्टेयरिंग मुझे सॉफ्ट लगता है, पावर नहीं है ठीक है, मगर मनूवर करने के लिए आपकी गाड़ी ईजी है और सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसमें एक VXL वेरिएंट भी आया था जिसमें पावर विंडोज और वो पावर स्टीयरिंग वगैरह, वो दो तीन बार आया है, पहले 2002 में या 3 में आया है, फिर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर आया है 6-7 में, फिर आया है 10 में। तो उसके अंदर बेसिक पावर विंडोज होते थे, पावर स्टीयरिंग होता था, असल में उसके पावर स्टीयरिंग का तो बहुत मुझे भी शदीद ज़रूरत है और अच्छी चीज़ थी, मगर उसके जो पावर विंडोज हैं वो बहुत तंग करते हैं। मैंने जिससे भी देखे ना, वो मतलब वो ऑन एंड ऑफ एक कोई एक शीशा माशाल्लाह। और अगर मेरी याददाश्त सही काम देती है, जो अलॉय रिम्स हैं ये हमेशा VXL के अंदर यही वाले डिज़ाइन के आते थे। बिल्कुल नहीं, जो सबसे पहला VXL आया था उसमें व्हील कैप आते थे। व्हील कैप देखिए 2002 में जो आया था उसमें कोई अलॉय रिम्स नहीं थे, दो या तीन में, मैं अभी दो तीन में बिल्कुल मुझे याद है, गोल्डन कलर होता था और ग्रीन होता था बिल्कुल, और जो 10 में आया तो उसमें तो थे अलॉय रिम्स। सही है। और इस गाड़ी की कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको ना पसंद हो? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसका 1000 cc मैनुअल होते हुए भी इसका फ्यूल एवरेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इट विल बी अराउंड 14 ठीक है, मगर नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जैसे सुजुकी नॉइज़ क्विकी नॉइज़ बहुत है बस, और मैं इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं लगा सकता। क्यों वो कह रहे हैं कि मैं लगाने गया था, वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल लॉकिंग एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, 8000 रुपये की पड़ रही है, 9000 रुपये विदाउट रिमोट, और वो कह रहे हैं कि वो लॉक भी आपको कभी कभी तंग करेगा, ये तो वो एक दो तीन चीज़ें हैं, बाकी बस गाड़ी है। सही है। और मुझे एक बात बताएं, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ओके मेरे पर्सनल ओपिनियन में गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस अगर ऑल्टो और मेहरान से कंपेयर करोगे ग्राउंड क्लियरेंस ख़राब है, क्या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 100%। अच्छा, ऑल्टो पुरानी हाँ, नहीं इसे तो आप कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं इसे तो नहीं कल्टस होगी, हाँ उससे बुरी है। अच्छा, अब ऐसे गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी है, लेकिन अगर जैसा हमें पावर विंडोज आपको इसमें चाहिए तो उसके अंदर कोई पावर स्टीयरिंग तो अगर आपको पावर स्टीयरिंग चाहिए उसके बदले कहीं कभी कोई चीज़ गाड़ी में गिवअप करनी है तो ऐसा कुछ है कि जो गिवअप करते हैं? मेरा नहीं ख्याल इसमें जैसा होगा नहीं कुछ भी, वही सीटें निकाल मैं खुद लगा लूँ, मतलब क्या है इससे कि शीशे विंड ग्लास निकाल विंडशील्ड निकाल देंगे कुछ भी, देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक है ना, मतलब एसी भी आप देख लें वो बिल्कुल ही बेसिक है, मैं इसमें बिल्कुल वो मूड में नहीं हूँ कुछ दूँ उसमें से। इफ़ यू गो बैक इन टाइम एंड रिकंसीडर योर डिसीजन व्हेन यू आर बाइंग दिस कार, क्या दोबारा ये गाड़ी खरीदोगे? सर मेरा देखें, अगर मैं बिल्कुल ही बाइंग खुद ही कर रहा होता, जैसे ही मेरे पास गाड़ी नहीं आती और मैं चला नहीं रहा था, तो फिर मेरे उसमें ऑप्शंस में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ऑल्टो हो गई पुरानी और मेरा हो गई, सिविक भी सोच रहे थे, तो अगर ये 12 दे रही है और सिविक के पार्ट्स मैं बहुत तमीज़ से चलाता हूँ, जिसको रफ यूज़ करनी है तो ये बेहतरीन गाड़ी है, अगर जिसने बहुत तमीज़ से खुद अकेले चलानी है, एक ही ड्राइवर है, तो सिविक 2005 की मैनुअल 10 देगी 11 देगी, वो भी एवरेज अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो ज़्यादा अच्छी है, पावर स्टीयरिंग जी बिल्कुल। चलें, और मुझे ये बताएं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी को कम्फर्ट पर कहाँ रेट करोगे? सर कुछ और सवाल पूछें, कंफर्ट प्रैक्टिकलिटी तो बहुत अच्छी है, आप कहीं भी पार्क कर दें कोई वाली इशू है, कंफर्ट तो अगर हम बजट को अगर कंफर्ट लेके चलें तो इस बजट में इस ऑप्शन हमारे पास सिविक आ जाती है, हमारे पास इंडस करोला आ जाती है एसी लिमिटेड वाली, तो कंफर्टेबल गाड़ियां तो बहुत मिल जाती हैं, मगर अगर इसी कैटेगरी को कंपेयर करें इस मॉडल को, तो हम इस मॉडल में हमें और कुछ नहीं मिलेगा इतने पैसे में। तो आपका माइंड कंफर्ट भी है ना कि यार नई गाड़ी है ये वो, तो फिर आप उसको अगर आप काउंट करें तो अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी 7 ले लें आप, 6-7 ले लें। आपके अलावा इस गाड़ी को और भी कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, उनका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? नहीं है सच तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस मेरी रनिंग में यूज़ होती है गाड़ी। सही है। और तो कोई इसको मतलब आगे पीछे चले जाए तो कोई चले जाए, मगर कोई किसी को इस गाड़ी का कोई इशू नहीं है बस। और मुझे ये बताएं कि अगले एक साल में इसको कोई बेचने का इरादा, इसको चेंज करने का इरादा है आपका? और अगर है तो क्या है? इरादा ये है कि अगर पेट्रोल रेट बढ़ते रहे तो फिर तो नहीं, अगर स्टेबल रहा तो फिर शायद सोचा जा सकता है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर मुझे पता है नॉन EFI वाली गाड़ी में कॉमन इशू था इसके फ्यूल पम्प का,
क्योंकि वो फ्यूल टैंक के अंदर होता है और वो हमारे फ्यूल की क्वालिटी उस टाइम पे जो होती थी बड़ा, उसकी वजह से वो एक कॉन्स्टेंट होता था कि फ्यूल पंप फारिग हो जाता। वो मसला इसमें EFI वाली गाड़ी में भी है या वो नहीं? मैंने अब तक तो फेस नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बड़ा आपने सुना सुना EFI का तो नहीं है। EFI में दो तीन इश्यूज आए थे, इसमें CNG में बड़ा इशू आया था। ठीक है, तो अब CNG तो इसमें है नहीं, CNG तो इसमें है नहीं, तो मुझे उस तक तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। बट ये है कि गाड़ी में ऐसा अभी तक मुझे कोई इशू नहीं है। सही है। अब इज देयर एनीथिंग जो कि आपको लगता है हमने गाड़ी कवर नहीं की जो आप कवर? देखें, एक तो दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटीरियर वाइज जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके पार्ट्स आफ्टर मार्केट पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सस्ते हैं। सही है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ भी लेनी है, स्टेयरिंग का कवर है या कोई भी चीज़, मतलब मैं हॉर्न कवर की बात कर रहा हूँ, कवर नहीं, स्टेयरिंग का कवर है और इसके मीटर की लाइट चेंज करनी, तो सारी चीज़ें मेहरान से बहुत से हैं और कोई भी मैकेनिक हाथ डालने को तैयार है। इवन दराजे के गत्ते खोलने तो आप खोल लें, कोई इसमें इशू। तो इस गाड़ी का ये बहुत बेनिफिट है कि मैंने जिसको मैंने आपको बताया, जब मैंने इसको चला रहा था, जब मैंने इसको बाय नहीं किया था, तो वो गाड़ी 4-5 महीने से मेरे पास है, तो मुझे कुछ चीज़ें हम लोग खुद ही कर लेते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। सही है जी। तो ये था फहद के साथ इनकी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम का फहद। तो अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।